नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है, आपके बहुत से लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम में जो है ये आप कह सकते हो टर्टल या टॉर्टोइस का ब्रीडिंग सीजन है, और बहुत से लोगों के घरों में जो टर्टल है टॉर्टोइस उन्होंने एग देने शुरू कर दिए। जिन्होंने फर्स्ट टाइम टर्टल या टॉर्टोइस पाले हुए हैं, उनके कछुआ अचानक से अंडा दे दे, उनकी समझ में ये नहीं आता कि अचानक से अब ये जो अंडा दिया है इसका करना क्या है, इस अंडे में से बच्चा कैसे निकलेगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो उनके मन में रहते हैं। आप कोशिश कीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से, आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपके जो मन में जो भी सवाल हैं उन सभी का प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो जो लोग मुझसे कहते हैं कि उनके पास सिंगल टर्टल या टॉर्टोइस है, उसने अंडा दे दिया है, वो सबसे पहला क्वेश्चन ये करते हैं कि क्या उनके घर में मेल तो है नहीं, क्या फीमेल अकेली बिना मेल के अंडा दे सकती है। देखिए जी हाँ, ये नेचर का एक प्रोसेस है। जब भी फीमेल अपनी एक एडोलेसेंट एज में जा सकती है, यानी जो फीमेल होती है अमूमन 5 से 6 साल की एज में जा करके जो है एडल्ट होती है, और उस एज में जा कर के बाद ये एक बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है ओवुलेशन, यानी फीमेल एग को ले करेगी ही करेगी, लेकिन वो जो एग होगा वो फर्टाइल नहीं होगा। और यदि जब फीमेल की बॉडी में ओवुलेशन होता है उस दौरान उसके संपर्क में कोई मेल आ जाता है, उनकी मीटिंग हो जाती है, और उसके बाद जो एग होता है तो वो अंडा फर्टाइल होता है। यदि आपके पास अकेली सिंगल फीमेल है, उसने अंडा दे दिया है, तो आप ही मान के चलिए कि वो अंडा इनफर्टाइल होगा, उस अंडे में से बच्चा नहीं निकलेगा। चाहे आप उसको इंक्यूबेटर में रख लें, या उसको मिट्टी में दबा लें, या आपकी फीमेल उसको गड्ढा खोद करके मिट्टी में दबा दे, तो भी उस अंडे में जो है बच्चा नहीं बनेगा। बच्चा बनने के लिए जो है मेल और फीमेल का पेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात आती है कि जिन लोगों ने मेल और फीमेल के पेयर रखे हुए हैं उनको किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, जिन लोगों के पास मेल और फीमेल है, एक तो हमेशा उनको थोड़ा उनकी एज का जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि किस एज में जाकर के मैच्योर होते हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ। 6 से 7 साल की एज के बाद आपको उम्मीद करनी चाहिए कि आपके टर्टल की जो फीमेल है वो एग ले करेगी, और उस वक्त आपको क्या है एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि आपकी फीमेल अपने आप मिट्टी में गड्ढा खोद करके अपने एग ले कर सके। फीमेल्स के कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं ऑटोमेटिक, जिसको आप देख करके आइडिया लगा सकते हो कि आपकी फीमेल अब एग ले करने वाली है। उस टाइम पे यदि आप उसको मिट्टी प्रोवाइड करते हो तो देखेंगे कि आपकी फीमेल अपने आप गड्ढा खोद करके अंडे दबा देती है। आपके पास पेयर है तो ये 100% चांसेस होते हैं कि उस अंडे में से बच्चा निकलेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या मेल और फीमेल का उन अंडों के पास रहना ज़रूरी होता है। जी नहीं, फीमेल अक्सर अंडे को मिट्टी में दबाने के बाद कहीं पर भी दूर चली जाती है। उस अंडे को वो हमेशा ऐसी जगह जो है दबा करके जाती है जहाँ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे। यदि अंडा मिट्टी के अंदर दबा हुआ है और वहाँ पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी उसको मिलती रहेगी, तो ऑटोमेटिक अंडे के अंदर बच्चा जो अपने आप बनता रहेगा। जब बच्चा तैयार हो जाएगा तो अंडे में से टूट करके निकल करके बच्चा मिट्टी खोद करके अपने आप ही बाहर आ जाता है। वो जो अंडे में से बच्चा है निकलता, वो कितना ड्यूरेशन लेता है, कितना टाइम लेता है? देखिए, इसमें जो मिनिमम ड्यूरेशन जो रिकॉर्डेड है वो 90 डेज है, मैक्सिमम 120 डेज है। यदि 90 दिन के बाद भी आपको लगता है कि अंडे में से बच्चा नहीं निकला है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, मिट्टी में से अंडा निकाल कर हल्का सा क्रैक करके तोड़ करके आप देखेंगे तो अंडे में से बच्चा निकला, उसको क्रैक करके धीरे धीरे आप उसको खुद से भी अंडे में से बच्चा निकाल सकते हो। इस तरीके से आप जो है अंडे में से, यदि टाइम पूरा हो गया है तो आप अंडे में से खोद करके बच्चा खुद से भी निकाल सकते हो। यदि अंडे में बच्चा होगा तो निकलेगा, यदि आपके अंडे खराब होंगे या इनफर्टाइल होंगे तो वो खराब आप उसको फेंक सकते हो बाहर निकाल करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सबसे बड़ी एक क्वेश्चन मेरे पास लोगों का आता है, जिन्होंने पानी के टर्टल्स रखे हुए हैं, उनके टर्टल अक्सर हमेशा पानी में ही अंडा दे देते हैं, और लोग हमेशा ये वेट करते रहेंगे कि उन्होंने अंडा देते हुए इसको पानी में देख तो लिया, लेकिन वो सोचेंगे कि इसको पानी में ही पड़ा रहने देते हैं, इसमें से अपने आप अंडे में से बच्चा निकलेगा। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता है। यदि पानी का कछुआ भी हमेशा पानी में से बाहर निकल करके एक मिट्टी वाली जगह ढूंढता है, वहाँ पे गड्ढा खोदता है, उसमें अपने एग ले करता है, फिर वापस पानी में आ जाता है। यदि आपका कछुआ पानी में रहने वाला पानी के अंदर एग दे देता है, तुरंत आप जैसे ही उसको डाइड मतलब आपको दिखता है कि इसने अंडा दिया, उसको तुरंत निकाल करके आप उसको एक मिट्टी लेकर के गमले में उसमें दबा दीजिए।
जितनी जल्दी आप इसको फॉलो करेंगे उतने ही ये चांसेस होते हैं कि अंडे का जो है टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, उसमें से अंडे में से बच्चा होने की पॉसिबिलिटी रहती है। यदि ज़्यादा देर तक आपका अंडा पानी के अंदर रह गया तो आप ही मान के चलिए कि आपका अंडा ख़राब हो चुका होगा, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर जो है वो डिस्टर्ब हो चुका होगा। इसलिए पानी के कछुओं के साथ ये प्रॉब्लम बहुत अक्सर होती है। और यदि आप देखते हो कि आपके मेल फीमेल में पानी के अंदर एक बार मीटिंग स्टार्ट हो गई, तो कोशिश कीजिए मीटिंग के 10 से 15 दिन बाद आप उनको ऑटोमेटिक एक मिट्टी का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कीजिए, ताकि आपकी फीमेल मिट्टी में जाकर के गड्ढा खोद करके अंडे अपने आप से दे सके। यदि किसी मजबूरीवश आप उसको मिट्टी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो मजबूरी में ही जो है पानी के अंदर अंडे देंगे, वो अंडे ख़राब होने की पॉसिबिलिटी 100% चांसेस होते हैं। इसलिए पानी के कछुओं में इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि 6 से 7 साल की एज के बाद ही ये इनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी डेवलप होती है, तभी वो मेटिंग करते हैं, तभी अंडे देते हैं। आप ये उम्मीद करो कि अभी छोटे बच्चे लेकर रखो अगले महीने अंडे दे दे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए एक एज का भी जो क्राइटेरिया अपने दिमाग में आपको रहना चाहिए कि आपके टर्टल या टॉर्टोइस की एज कितनी होगी, ताकि आप एक रफली एस्टिमेट भी लगा सके कि वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो गए। दूसरी, जब फीमेल एग देने वाली हो तो आप देखेंगे कि फीमेल हमेशा जो है कॉर्नर्स को स्मेल करना शुरू कर देती है, यानी जब भी वो मिट्टी वाली जगह में घूमेगी मिट्टी को बार बार सूंघना शुरू कर देती है और अपने पंजों से जो गड्ढा खोदने की कोशिश करती है। यदि उसको सॉफ्ट मिट्टी मिलती है देखिए ऑटोमेटिक उसको खोदना शुरू कर देगी, यानी ये कि ऑटोमेटिक एक साइन होता है, सिम्टम्स होता है कि आपकी फीमेल की बॉडी में एग स्टोर हो चुके हैं, अब वो उनको बॉडी से बाहर निकालना चाहती है, ले करना चाहती है। और यदि उसको सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तो वो उन एग को जब तक बाहर नहीं निकालेगी जब तक उसको सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है। और ये कंडीशन बहुत ही पेनफुल है, दुखदायी होती है यदि फीमेल एग नहीं देती है और अंडे को बॉडी में स्टोर करती है, तो अंडे एक के साथ, दो के साथ, तीन से जुड़ के क्लच फॉर्मेशन बना लेते हैं और वो जो है एग बाइंडिंग की कंडीशन आ जाती है कि कछुआ प्रेशर तो लगा रहा है लेकिन अंडे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके साथ क्या होता है कि आपके कछुआ कि पीछे की हैंड लेग पैरालिसिस यानी कि पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है। और वो पहले तो कछुआ धीरे धीरे चलना शुरू करेगा, आप सोचोगे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, धीरे धीरे एकदम ढीला हो जाएगा और फिर एकदम पीछे टांगों में पैरालिसिस हो जाएगी। ये सब इसलिए होता है कि जब वो अंडे के लिए बाहर निकालने के लिए प्रेशर लगा रहा है तो उस पिछले नर्व्स पैरों में जो नर्व्स होती हैं उसमें इतना प्रेशर लगता है कि वो डैमेज हो जाती है और आपके कछुए में जो है पैरालिसिस की जो है सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए है तो छोटी सी बात लेकिन आपको बहुत ही केयरफुल होने की ज़रूरत होती है। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कछुए टर्टल हो या टॉर्टोइज़ एग कैसे देते हैं, एग देने का क्या प्रोसीजर है, कितने दिन में अंडे में से बच्चे बाहर निकलते हैं और क्या सूटेबल कंडीशन उनको प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो ईजिली एग ले कर सके। और यदि आपका कछुआ ज़मीन या पानी में अंडा देता है तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए ताकि हम उस अंडे में से बच्चा निकाल सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए आप सबके लिए खुशखबरी है कि हमारे चैनल के ऊपर जो है एक ज्वाइनिंग का बटन का ऑप्शन आपको खुल गया, तो प्लीज़ आप जाकर के उस बटन को ज्वाइन कीजिए, हमारे मेम्बर्स बनिए और डायरेक्ट हमसे आप जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।